press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जोमैटो ने बाय किया उबर ईट्स को तकरीबन 350 मिलियन डॉलर में। ये बनते हैं अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 2500 करोड़ रुपए। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि क्यों बाय किया, कैसे बाय किया, पूरी स्टोरी, और एंड तक मैं अपनी राय भी रखूंगा कि मेरे हिसाब से ये डील फ़ायदेमंद रहेगी जोमैटो के लिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो जोमैटो ने बाय किया 350 मिलियन डॉलर में, वो बनते हैं तकरीबन 2500 करोड़ रुपये, और ये है ऑल स्टॉक ट्रांजेक्शन। मतलब इस ट्रांजेक्शन में जो जोमैटो है ऊबर को कोई पैसे नहीं देगा, बट वो अपने शेयर्स ऊबर को देगा। तो इस डील के बाद ऊबर के पास अब जोमैटो के 9.9% शेयर है। मतलब ऊबर अब जोमैटो में 9.9% की शेयर होल्डिंग रखता है। तो ये थी इस डील की फाइनेंशियल टर्म्स की, मतलब कितने में डील हुई। अब बात करते हैं इसको, थोड़ी डिटेल में जाते हैं। तो जोमैटो ने साथ में ये भी कहा कि वो ऊबर इंडिया की, जो ऊबर ईट्स की इंडिया की टीम थी, उनको एक्वायर नहीं कर रहा। तो मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जोमैटो एक्वायर नहीं करेगा। डिलीवरी बॉय तो मतलब एम्प्लॉयज़ नहीं होते, वो तो मतलब पार्टनर होते हैं, बट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कोर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जोमैटो एक्वायर नहीं करेगा। या तो वो ले ऑफ हो जाएंगे या ऊबर अपनी ऊबर कैब्स में उन्हें ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस डील के बाद अगर जोमैटो और ऊबर की मार्केट शेयरिंग जोड़ दें तो वो बनती है 50 से 55%। तो इस डील के बाद जोमैटो स्विगी को फूड डिलीवरी के मामले में, फूड डिलीवरी के बिजनेस में पीछे छोड़ देगा, अगर सारे ऊबर ईट्स के जो ऑर्डर्स थे वो जोमैटो को जाते। मे बी ये हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, बट नॉर्थ इंडिया में ऊबर ईट्स इतना नहीं चलता था। बट कुछ स्टेट्स ऐसी थी जैसे तमिलनाडु, केरला, एमपी, जहाँ पे ऊबर ईट्स की 30% मार्केट शेयर थी। तो इससे भी जोमैटो को क्या, क्योंकि जो नीचे जो उनके गढ़ नहीं थे, जहाँ पे उनकी इतनी पकड़ नहीं थी, वहाँ से उनको कन्वर्जन में फ़ायदा होगा। तो इस उम्मीद से जोमैटो ने शायद ऊबर ईट्स को बाय किया। ऑल दो पहले ऊबर ईट्स स्विगी के पास भी गया था, मतलब कि इस डील के लिए, बट वो डील नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, बट जोमैटो ने इस डील को कर लिया। और जोमैटो का मानना है 90% जो यूज़र्स हैं उबर ईट्स के, वो ट्रांसफ़र होंगे। इसके बारे में मैं अपनी एनालिसिस में बाद में डिटेल में बताऊंगा कि मेरे को क्या लगता है क्या होगा। तो रीट सीट कंसल्टेशन ने कुछ डाटा फैक्ट्स रखे थे कि जो इनके मार्केट शेयर के ऊपर, तो स्विगी के जो डेली ऑर्डर्स है वो है 1.4 मिलियन डॉलर, जोमैटो के 1.2 मिलियन डॉलर, और ऊबर ईट्स के सिर्फ 400,000 ऑर्डर्स पर डे है। यही माने एवरेज ऑर्डर साइज की, तो स्विगी का एवरेज ऑर्डर साइज है तकरीबन 275 रुपये, जोमैटो का 285 रुपये, और ऊबर ईट्स का बहुत कम 170 रुपये। तो इस एक्विजिशन के बाद जो जोमैटो का मानना है कि जो ऊबर ईट्स के कस्टमर्स होंगे, जो ऑर्डर्स होंगे, वो उनके पास आ जाएंगे, इससे वो स्विगी से ऊपर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो ये तो होगी डील के बारे में बातें। अब मैं रखता हूँ अपनी राय। तो मेरे हिसाब से जो जोमैटो ने ऊबर ईट्स को बाय किया है तो काफ़ी जल्दबाजी करी है। मेरे को नहीं लगता ऊबर ईट्स इतना मतलब मार्केट में टिक पाता, क्योंकि अगर बात करें उनकी प्रोजेक्टेड लॉसेस की, तो उन्होंने प्रोजेक्ट किए थे अपने इस साल के लॉसेस तकरीबन 2200 करोड़ रुपये, और डेली मंथली का 20 मिलियन डॉलर का कैश बर्न हो रहा था। और जो ऊबर अपना एनुअल प्लान बताता है, तो उसमें जो वर्ल्ड वाइड प्लान बताता है, तो उसमें उन्होंने यही कर रहे हैं, वो जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है या नॉन परफॉर्मिंग बिजनेस है उनको बेच रहे हैं, या उनको मतलब इतना फोकस नहीं कर रहे, और उन्हीं में से एक था ऊबर ईट्स। और मेरे ख्याल से स्विगी और ऊबर, जो ऊबर ईट्स की जो बात नहीं बनी थी, वो भी इन्हीं मुद्दों पे बनी होगी कि वो पैसे ज़्यादा मांग रहे होंगे। और वन ऑफ द बिग फोर ने इनकी वैल्यूएशन सिर्फ 1600 करोड़ रुपये रखी थी, तो उस हिसाब से उनको इस डील में बहुत फ़ायदा हो रहा है ऊबर ईट्स को, कि 2500 करोड़ रुपये में बेच पाए वो। और जोमैटो को लगता है कि सारे के सारे उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं भी हूँ तो मेरे पास तीनों की आइडिया, ऊबर, जोमैटो और स्विगी की। तो मैं ज़रूरी नहीं हूँ, अगर मैं ऊबर ईट्स बंद हो गया तो मैं जोमैटो के पास ही जाऊँगा, मैं हो सकता हूँ स्विगी के पास भी चला जाऊँ। तो हो सकता है कि स्विगी को भी इससे फ़ायदा हो, और वो भी फ्री फंड में। ऑब्वियसली स्विगी को भी फ़ायदा होएगा, और बिना कोई पैसे खर्च करे। और बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ऐसा कुछ खास ऊबर ईट्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जो जोमैटो और स्विगी के पास ना हो। तो आप भी शेयर करें कि आपको क्या लगता है इस डील से, जोमैटो को इतना फ़ायदा होगा कि वो 350 मिलियन डॉलर ऊबर ईट्स को दे दे। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं टू कीप इन टच। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।